गाइस, क्या वेट ट्रेनिंग हेल्प कर सकता है आपके फैट लॉस या वेट लॉस में, या क्या ये भी एक मिथ है जैसे दूसरे मिथ्स होते हैं अपने फिटनेस में? और क्या आपको भी ये कंफ्यूजन है कि वेट लॉस या फैट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो करना है या वेट लॉस करना है? अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है, और बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ, जिसमें मैं कुछ मिथ्स डिबंक करूंगा वेट ट्रेनिंग को लेके, और बताऊंगा कैसे आप अपने वेट ट्रेनिंग को एक वेपन के ऐसा यूज कर सकते हो अपने फैट लॉस या वेट लॉस के लिए, और कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाय गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला, आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अचीव गुड हेल्थ, टू अचीव देयर फिटनेस एंड टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाय यूजिंग ऑल नेचुरल टेक्निक्स। So without wasting the time, let's do the video. So guys, before entering this video, you must be clear, aapka weight training ya cardio training, they are not just made for weight loss or fat loss. बिकॉज उसके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस और फैट लॉस, यू विल बी सीइंग ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ स्टाइल, जैसे कि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन। सो उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है आपका वेट लॉस या फैट लॉस। टिल नाउ बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं अपने वेट ट्रेनिंग को लेके, और ये क्लियर हो गया है कि एडिंग वेट ट्रेनिंग इज lot much beneficial than doing only cardio or body weights workout. But अभी भी ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि weight training सिर्फ एक bodybuilding के लिए या तो सिर्फ muscle gain करने के लिए होता है, ना कि for weight loss or fat loss. But this is not completely true guys. अगर आप weight training add कर सके आपके routine में और proper form के साथ या proper coaching के साथ अगर आप perform करेंगे weight training, there are much more benefits coming out apart from your weight loss or fat loss. So guys, number one myth अपने वेट ट्रेनिंग को लेके और या फैट लॉस या वेट लॉस को लेके, कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट्स करना चाहिए, जैसे रनिंग, बॉडी वेट वर्कआउट, जंपिंग वगैरह वगैरह। बट ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है गाइस, और ये एक ही रास्ता नहीं है गाइस आपके वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप कार्डियो इंक्लूड करोगे अपने रूटीन में, उतना ज्यादा फैट के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होएगा, जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करेगा, विच इज नॉट एट ऑल ए हेल्दी प्रैक्टिस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक अच्छा वेट ट्रेनिंग का रूटीन ऐड करते हो अपने कार्डियो के साथ साथ, तो ये हेल्प करेगा आपके मसल्स को प्रिजर्व करने में और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, जिसका मतलब है ये इंक्रीज करेगा आपका RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिसका मतलब है आप कैलोरीज बर्न करोगे इवन इन द एट द टाइम ऑफ रेस्ट। सेकंड मिथ, वेट ट्रेनिंग ऑलवेज लीड्स टू गेन बल्की मसल्स। स्पेसिफिकली ये मिथ ज्यादा आपको लेडीज में देखने को मिलेगा गाइस, और ज्यादातर वुमेन यही सोचते हैं कि अगर वो वेट उठा देंगे तो दे विल गेन मोर एंड मोर मसल्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली ट्रू गाइस। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको एक बल्की बॉडी बिल्डर जैसा लुक लाना है, तो आपको फॉलो करने का पड़ेगा स्ट्रिक्ट एंड इंटेंस वर्कआउट रूटीन, उसके साथ साथ यू हैव टू प्ले विथ योर कैलोरीज। बट ए कॉमन पर्सन हु लिफ्ट्स वेट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, दे वोंट फॉलो सच काइंड ऑफ वर्कआउट रेजिमे और सच काइंड ऑफ डाइट्स और सप्लीमेंट, जिससे कि आपका मसल बल्क अप होने का चांसेस बहुत कम होते हैं, बट देर आर हाई चांसेस टू टोन अप द मसल। सो वेट ट्रेनिंग लीड्स टू प्रिजर्व मसल, का मतलब है जो भी आपके मसल्स रिक्वायर्ड मसल्स होते हैं आपको हेल्दी रखने में, ये हेल्प करता है उस मसल्स को प्रिजर्व करने में और आपको एक टोन और स्लिम लुक देने में। सो ये सोचने के बजाय कि अगर आप कोई वेट ट्रेनिंग ऐड कर दोगे आपके रूटीन में तो आप एक हेवी बॉडी बिल्डर टाइप बन जाओगे, बहुत सारे मसल्स डेवलप हो जाएंगे आपके बॉडी में, चेंज द फोकस एंड ऐड वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस पर वीक, जिससे कि आपके मसल प्रिजर्व होने में आपकी मदद हो जाए। और इफ यू हैव गुड मसल्स इन योर बॉडी, ऑब्वियसली द मेटाबॉलिज्म विल बी हाई, इफ यू हैव हाई मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली द फैट बर्निंग विल टेक प्लेस एंड यू विल बी फिटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। थर्ड मिथ, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स होना है तो यू हैव टू लिफ्ट हेवियर एंड हेवियर। सो गाइस, हेवी वेट लिफ्टिंग इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ गेनिंग, नॉट प्योर मसल गेनिंग। सो आप एक अच्छा फैट लॉस या वेट लॉस
एक मॉडरेट या लाइट वेट से भी कर सकते हो, फोकसिंग ऑन प्रॉपर फॉर्म एंड फोकसिंग ऑन योर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने लगोगे, इट विल हेल्प टू गेन द स्ट्रेंथ, ना कि प्रिजर्विंग और टोनिंग योर मसल्स। सो इट कैन बी डन विद अप्रोप्रिएट वे, विद अप्रोप्रिएट रिपीटेशंस एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। फोर्थ कॉमन एंड एक इम्पॉर्टेंट मिथ जो बहुत सारे लोगों में फैला हुआ है अपने सोसाइटी में, वो है कि वेट ट्रेनिंग इज ओनली फॉर यंग पीपल। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू गाइस, वेट ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर ऑल एजेस। स्पेसिफिकली अगर आपका एज अबोव 30 या अबोव 40 हो जाता है, तो आपको वेट ट्रेनिंग कंपेयर टू ये यंगर से आपको ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज ग्रो होने लगता है, वैसे वैसे आपको एज रिलेटेड मसल लॉस, एज रिलेटेड बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, और आपके जॉइंट्स वीक होने लगते हैं, आपके बैलेंस मसल्स वीक होने लगते हैं। सो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपना फोकस चेंज करिए द बेनिफिट्स ऑफ द वेट ट्रेनिंग की तरफ, और ट्राई टू ऐड मिनिमम 2-3 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग इन योर डेली रूटीन, ताकि आपके मसल स्ट्रांग रहे, ताकि आपके बोन्स स्ट्रांग रहे, ताकि आपका बैलेंस बेटर रहे, ड्यू टू विच यू कैन लिव फिटर एंड यू कैन लिव लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। सो गाइस, ये थे थोड़े से मिथ्स अपने वेट ट्रेनिंग को लेके, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ट्राई टू ऐड 2-3 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग इन योर रूटीन, ताकि आप हेल्दी और फिटर बने रहे फॉर लॉन्गर टाइम। And still, if you have any confusion, you can comment me in my comment box. I will definitely try to answer your query. So guys, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपका वेट ट्रेनिंग ऐड करने में और आपको हेल्दी रखने में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइज, दिस इज संजीव कालीवाला, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे नेचुरल। बाय।